एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल पीच मोनोक्रोमेटिक मेकअप लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लुकिंग है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिगिनर्स मेकअप ब्रश गाइड, कि आपको, अगर आप बिगिनर्स हो, आपको क्या क्या मेकअप ब्रश लेना चाहिए इंडिविजुअली या फिर आई मेकअप के लिए। मैंने कम से कम मेकअप प्रोडक्ट जो है, मेकअप ब्रश जो है, यूज़ किया है इस लुक को क्रिएट करने के लिए। और आप लोग अगर अपना नया खुद का मेकअप किट तैयार कर रहे हो तो आपको कौन सा ब्रश चाहिए, कम से कम कौन सा ब्रश चाहिए, वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के शेयर भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्टेड गाइस। आपको सबसे पहले जो मेकअप टूल चाहिए वो है ये एक ब्यूटी ब्लेंडर। ये है पैक का ब्यूटी ब्लेंडर। आप कोई भी ब्रांड का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है आपको पूना स्टोर का जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। ब्यूटी ब्लेंडर से आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे फेस का जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर सकते हो, कंसीलर को भी ब्लेंड कर सकते हो, पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। एक ब्यूटी ब्लेंडर से आपको बहुत सारा काम हो जाएगा। जो आपको ब्रश चाहिए वो है एक पाउडर ब्रश। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, मेरे पास पैक का है। तो इससे क्या होगा, आपके जो भी पाउडर है उसको अप्लाई कर सकते हो, फेस पाउडर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो, लूज़ पाउडर हो, कुछ भी। अगर आप बेकिंग करते हो तो उसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। एक पाउडर ब्रश आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। तो एक पाउडर ब्रश आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है आई मेकअप ब्रश लगती है। तो आई मेकअप ब्रशेस के लिए आपको तीन ब्रश इनफ है आपके आई मेकअप करने के लिए। मैंने इतना ज़्यादा आई मेकअप इसी ब्रश के साथ किया है, आप देख पा रहे हो। एक ब्लेंडिंग ब्रश आपको चाहिए, एक कोई भी छोटा सा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश जो कि आपको क्रीज क्रिएट करने में और ट्रांजिशन क्रिएट करने में लगेगी। उसके बाद एक आपको ऐसा फ्लफी फ्लैट शेडर ब्रश लगेगी जिसकी मदद से आप कलर को अप्लाई कर पाओगे। और एक स्मजर ब्रश, अगर आप स्मोकी आई लुक कर रहे हो, अगर आप लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रहे हो, तो इस टाइप का जो है स्मजर ब्रश आपको लगेगा। ये तीन आई शेडो ब्रश से ही आपका जो है काम चल जाएगा। एक ऐसी टाइप का एंगुलर ब्रश, फ्लफी एंगुलर ब्रश आपको ख़रीदना है। इससे आप कॉन्टोर कर सकते हो, इससे आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टोर एंड ब्लश आपको एक ही ब्रश की मदद से हो जाएगा। इस टाइप का कॉन्टोर एंड इस टाइप का ब्लश मैं डेमो में दिखा दूँगी आगे मेकअप लुक में। उसके बाद है ये वाला ब्रश। ये एक ऐसा पॉइंटेड ब्रश है, फ्लफी पॉइंटेड ब्रश। इस ब्रश से आप बहुत ही सुंदरली हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। मैं इसी से हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। कितना ब्यूटीफुली हाइलाइटर अप्लाई होता है आप देख पा रहे हो। तो इस ब्रश को आप डेफिनेटली एक ब्रश होता है। तो कितने ब्रश हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 ब्रश की मदद से और एक ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप ख़रीद लेते हो तो आप फुल फेस ऑफ मेकअप कर पाओगे। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक की एजलेस सीरम। इसको मैं मेरे पूरे फेस पे जो है अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है, कम सीरम है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है और एक मैट लुक देता है। उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर के लिए आपको कोई भी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप फिंगर की मदद से उसको अप्लाई कीजिए और इसको स्प्रेड कर दीजिए। ये NYBA की प्राइमर है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइमर है और सिलिकॉन बेस एक प्राइमर है जो आपके पोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फिल इन करती है। उसके बाद मैं कलर करेक्शन करूँगी। तो मेरे फेस पे आप देख पा रहे हो डार्क सर्कल है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे फेस से दो शेड डार्कर कंसीलर लेती हूँ और उसकी मदद से जो भी ब्लैक स्पॉट्स है अंडर आइज़ पे मैं अप्लाई करती हूँ और मेरे फिंगर की मदद से ब्लेंड कर देती हूँ। आप अगर कंसीलर या फिर कलर करेक्टर अप्लाई कर रहे हो, कोई भी ब्रश की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी फिंगर की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड कर पाओगे। आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी तरीके से फिंगर की मदद से ये ब्लेंड हो रहा है। ये है मैंने जो कंसीलर अप्लाई किया है, वो है NYBA की कंसीलर इन दी शेड 11। बहुत ही अच्छा एक क्रीमी कंसीलर है। उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेस स्कैनर की फाउंडेशन। ये बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल फाउंडेशन है। इसकी प्राइस है 199 रुपीज़ और इसकी जो कवरेज है बहुत ही शेयर कवरेज है, लाइक BB क्रीम। मैं इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिंगर की मदद से अच्छे से इसको डैब इन कर रही हूँ, जिससे जब भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँ तो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो। ये एक टिप है, अगर आपकी फाउंडेशन जो है लो कवरेज है तो आप इस तरीके से फिंगर की मदद से डैबिंग मोशन में अपने पूरे फेस पे जो है आप फाउंडेशन को फैला लो, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो। तो एक ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपका जो काम चल जाएगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर से आप इस तरीके की डैबिंग मोशन में जो है
ब्लेंड कर सकते हो। फाउंडेशन कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर ही काफ़ी है आप लोगों के साथ। आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने जो है मेरी फेस की जो भी फाउंडेशन है इसको ब्लेंड कर दिया है। अभी मैं जो है कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है एक शेड। ये है मेबलिन की एज रिवाइंड कंसीलर, इसको मैं एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह अप्लाई कर रही हूँ मेरे अंडर आइज पे। इसकी मेरी शेड है मीडियम, अंडर आइज पे जहाँ जहाँ मेरी कंसीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, इसको भी मैं मेरे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड कर रही हूँ। आपको कोई भी अलग से कोई भी टूल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरीके की ब्यूटी ब्लेंडर एक ख़रीद लो तो आपकी जो फाउंडेशन है, बेस है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड होगी, फ्लॉलेस एक बेस देगी जो बहुत ही अच्छी लगती है। पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की सफाया लूज पाउडर। ये बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल पाउडर है। एक पाउडर ब्रश की मदद से मैं मेरे पूरे फेस को जो है अप्लाई कर रही हूँ ये पाउडर, और इसको सेट कर रही हूँ। आपको एक पाउडर ब्रश इस तरीके की ज़रूरत होगी, आप कोई भी ब्रांड्स का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एक फ्लफ़ी एक पाउडर ब्रश आपको ज़रूरत होगी, ये बहुत काम आता है। इसके मदद से आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो, इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो इसलिए आपको एक पाउडर ब्रश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद मैं आईब्राउज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्राउ किट, अल्टीमेट आईब्राउ किट। इसी किट में जो है आईब्राउ को फिल इन करने की ब्रश आपको मिलती है, आपको अलग से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो डार्क ब्राउन शेड है उसको लेकर मैं मेरे पूरे आईब्राउज़ को जो है फिल इन कर रही हूँ। अपने आई मेकअप करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तीन ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया आपको जो ब्लेंडिंग ब्रश, एक फ्लैट फ्लफी फ्लैट ब्रश और एक स्मजर ब्रश। तो सबसे पहले मैं आई शेडो लूँगी स्विस ब्यूटी की आई शेडो। ये बहुत ही अच्छी 9 कलर आई शेडो पैलेट है। इसमें से जो वार्म ब्राउन शेड है, काइंड ऑफ पीची टोन शेड, उसको मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से लूँगी और मेरे क्रिस्प एरिया पे जो है अप्लाई करूँगी। आउटर कॉर्नर से राउंडिंग मोशन में अप्लाई करते हुए क्रीज पे जाऊंगी। अब मैं उसी पैलेट में से जो पीच शेड है उसको एक फ्लफी फ्लैट शेडर ब्रश में ले रही हूँ और उसको मैं मेरे क्रीज पे, आउटर वी एरिया पे एंड इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं एक हॉलो आईज करने वाली हूँ तो इसीलिए मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी तरीके से इस फ्लैश शेडर ब्रश की मदद से आई शेडो जो अप्लाई हो रही है, और ये आई शेडो पैलेट बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ निका की 9 कलर आई शेडो पैलेट इन दी शेड अंडर द सी। इसमें से जो ग्लिटरी पिंक शेड है उसको मैं ले रही हूँ, शिमरी शेड, और उसको मैं फिंगर की मदद से मेरे सेंटर ऑफ द लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। आप जो भी ग्लिटर शेड या फिर शिमर शेड अप्लाई करो, फिंगर की मदद से वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। अब मैं जो स्मजिंग ब्रश है उसको ले रही हूँ और मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे जो है वही वार्म ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ। ये जो ब्रश है आप स्मोकी आई के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं उसी पीची शेड को लेकर मैं मेरे लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। कितनी अच्छी तरीके से प्रिसाइजली आप अप्लाई होता है आप देख पा रहे हो। तीन ब्रश से ही आपका जो आई मेकअप है पूरी तरीके से ब्लेंडेड एक खूबसूरत आई मेकअप हो जाएगा। अब मैं आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस स्टेक वर्क की आईलाइनर इन द शेड ब्लैक। इट्स अ ब्यूटीफुल मैट ब्लैक आईलाइनर। तो इसको कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की कॉन्टोर दी फोर से मैंने पैलेट। इसमें से जो कॉन्टोर शेड है उसको मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब मैं एक फ्लफ़ी आपको दिखाया था मैंने एंगुलर ब्रश ले रही हूँ, इससे मैं कॉन्टोर करूँगी। इस टाइप का ब्रश आपकी किट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होना चाहिए ही चाहिए। इससे आप ब्लश अप्लाई कर पाओगे, इससे आप कॉन्टोर कर पाओगे आपके फेस का बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत ही यू नो फ़ायदेमंद ब्रश है। अभी मैं नोज़ को कंट्रोल करूँगी, ब्रश को थोड़ा सा दबा के, थोड़ा सा
शार्प करके उसके एजेस को मैं नोज़ को कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। अब देख पा रही हूँ ब्यूटीफुली कॉन्ट्रोल होता है। तो ब्लश के लिए मैं उसी पैलेट में से जो ब्लश शेड है उसको अप्लाई कर रही हूँ, सेम एंगुलर ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लश भी जो है बहुत ही ब्लेंडेड लुक देता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लश भी अप्लाई होता है एक ही ब्रश से। अभी मैं करूँगी हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग के लिए मैं ऐसा पॉइंटेड ब्रश ही आपको रिकमेंड करूँगी। आप फैन ब्रश भी अप्लाई कर सकते हो, फैन ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये ब्रश जो है मुझे मेरी फेवरेट है। आप कोई भी फैन ब्रश या फिर इस टाइप का कोई भी हाइलाइटिंग ब्रश आप यूज़ कर सकते हो आपके हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए। दैट्स इट, आपको कोई और कोई भी ब्रश जो है नहीं चाहिए आपको मेकअप करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही ब्रश चाहिए। अभी मैं बेला वोस्टा की वाइट कलर की काजल ले रही हूँ और मैंने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन की लैश सेंसेशनल मस्कारा। ये बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल मस्कारा है। लिपस्टिक के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ NYBK लिक्विड लिपस्टिक इन दिस शेड 02 इस वेलवेटी अंडर द ग्राउंड। इट्स अ ब्यूटीफुल पीच कलर और इस लुक के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसकी प्राइस है 125 रुपीज़ आई थिंक। बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल लिक्विड लिपस्टिक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप ये लुक क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा। बाय।